पहले हम लेंगे 2 कप तुअर दाल, जिसे हमने बॉईल कर लिया। हमें 2 कप गेहूं का आटा लेना होगा, उसमें 1/2 टीस्पून के अराउंड हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के अराउंड जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। अब हमें उसमें 1/2 टीस्पून के अराउंड तेल ऐड करना होगा और 1 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड कर लेंगे। फिर उसे अच्छे से सब कुछ मिक्स करके हम एक स्मूथ डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इस तरीके से एकदम स्मूथ डो रेडी करना है, जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं। हमारा डो रेडी है। तो हमें एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल लेना होगा, उसमें 1 होल रेड चिली ऐड करनी होगी, उसके बाद मस्टर्ड और जीरा डालने के बाद हमें उसमें कड़ी पत्ता डालना होगा, उसके बाद हमें पिंच ऑफ हींग ऐड करके फिर 1/2 टीस्पून के अराउंड तेल ऐड करना होगा, फिर उसमें हम 1 टोमेटो को कट करके ऐड कर देंगे और उसे थोड़ी देर के लिए कुक करने होने देंगे। अब उसमें हम 1 टीस्पून के अराउंड सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर वापस उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमें उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करनी होगी, उसके बाद हमें 1 टीस्पून के अराउंड चिली पाउडर ऐड करना होगा और फिर हमें जो हमने बॉईल की हुई थी दाल वो ऐड कर देनी है और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसमें हम 2 टेबलस्पून के अराउंड इमली का पानी डालेंगे और उसमें 2 टीस्पून के अराउंड गुड़ डालेंगे, जिसे हम जैगरी भी कहते हैं, और फिर दाल को हम अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि हमारी दाल बॉईल होती है, हम ढोकली के लिए रोटी बेल लेते हैं। फिर हमें ढोकली को इस तरीके से स्क्वायर या डायमंड शेप, आपको जो शेप पसंद हो उसमें आप कट करके ले सकते हैं और हमें उसे इस तरह प्लेट पर अलग अलग रखना है। उसके बाद हमें 1 बाय 1 करके एक एक करके ढोकली अंदर दाल में ऐड करते रहनी है और बीच बीच में उसको अच्छे से स्टर करते रहना है और उसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। बीच में स्टर करते रहिए ताकि ढोकली एक दूसरे से चिपके नहीं।